वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैनाल पटवारी टेस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन 2023। कैनाल पटवारी का टेस्ट तकरीबन 11 सब्जेक्ट्स कह लो या टॉपिक्स से बनता है। हर सब्जेक्ट्स की अलग अलग वीडियो, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पास पेपर क्वेश्चन के साथ डेली बेसिस पर अपलोड की जा रही है। तकरीबन 35 से 40 दिनों में आपकी तैयारी 100% के करीब हो सकती है इसी चैनल फॉर जॉब से। हर सब्जेक्ट्स की साथ साथ प्लेलिस्ट भी बनती जाएगी। अगर कोई वीडियो भी हो जाए या रह जाए तो बाद में इसी चैनल फॉर जॉब्स की प्लेलिस्ट में जाकर इजीली सुनी देखी जा सकती है। तो वीडियो का आगाज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हेल्ड द OIC कॉन्फ्रेंस इन 1997, यानी 1997 में OIC की कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी। दोस्तों उस शहर का नाम है इस्लामाबाद। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 1922 की कॉन्फ्रेंस हुई थी OIC की, वो भी इस्लामाबाद में ही हुई थी। और OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी जो लार्जेस्ट पाकिस्तान का कैंट है उसका क्या नाम है। दोस्तों उसका नाम है खारिया कैंट, पाकिस्तान का लार्जेस्ट कैंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारपरिया इज सिचुएटेड इन, तो दोस्तों ये इस्लामाबाद में वाकई है, शिकारपरिया इज सिचुएटेड इन इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल कोड क्या है। दोस्तों वो है पीके, पाकिस्तान का नेशनल कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार अब्दुल रब नश्तर वाज द गवर्नर ऑफ, दोस्तों जो सरदार अब्दुल रब नश्तर थे वो किस मतलब सूबे के गवर्नर थे। दोस्तों वो थे सूबा पंजाब के गवर्नर थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो दोस्तों जो पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक था उसको उसका इफ्तिताह किसने किया था। दोस्तों उनका नाम है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर शाह पतरस बुखारी वाज ए फेमस राइटर ऑफ डैश लैंग्वेज, तो दोस्तों जो आमिर शाह पतरस हैं ये उर्दू के मतलब के जो शायर हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और आमिर शाह पतरस ने दोस्तों UNO में पाकिस्तान की मतलब के नुमाइंदगी भी की हुई है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादर मिलत फातिमा जना डाइड इन द ईयर, यानी जो मादर मिलत कायदे आजम की बहन थी फातिमा जना, और वो उसकी जो मतलब एक वफात कब हुई थी, दोस्तों वो हुई थी 1967 में, यानी 1967 1967 में हुई थी। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि फातिमा जना ने 1963 का इलेक्शन भी लड़ा था जो कि हार गई थी। फातिमा जना के मदे मुकाबल थे अयूब खान, जो कि अयूब खान वो इलेक्शन जीत गए थे। 1963 में इलेक्शन हुआ था जिसमें फातिमा जना और अयूब खान मतलब के दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, और फातिमा जना की जो वफात है वो 1967 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लैंग्वेज इन विच द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंडिया, यानी इंडिया में कुरान मजीद का जो ट्रांसलेशन हुई दोस्तों वो किस जबान में हुई। फर्स्ट टाइम तो दोस्तों वो हुई थी पर्शियन यानी फारसी में हुई थी, इसके बाद उर्दू और पंजाबी में भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ रोट मौजा कौसर, मतलब कि जो मौजा कौसर मतलब किसने लिखा, दोस्तों उसका नाम है शेख मोहम्मद इकराम ने मौजा कौसर लिखा है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू इज वर्ड ऑफ तुर्कश लैंग्वेज इट मीन्स, तो दोस्तों जो उर्दू जो वर्ड है वो तुर्कश लैंग्वेज का है, तो इसके क्या मैनी है। दोस्तों इसके मैनी है आर्मी, बहुत ही कॉमन सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज, दोस्तों पश्तो लैंग्वेज की जो फर्स्ट बुक थी उनका क्या नाम है, उसका नाम है पटा खजाना पश्तो लैंग्वेज की फर्स्ट यानी पहली किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ पोइट हूज कलेक्शन ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड शाह जो रिसालो, दोस्तों ये है इनका नाम है शाह अब्दुल लतीफ बटाई, मतलब है कि सवाल है द नेम ऑफ पोइट हाउस कलेक्शन ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड, तो शाह जो रिसालो, तो ये जो इसका राइट आंसर है शाह अब्दुल लतीफ बटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द हीरो ऑफ पाकिस्तान इंडिया 1965, यानी 1965 वार का जो हीरो था पाकिस्तान का उनका क्या नाम, उनका नाम है मेजर राजा अजीज भट्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट पंजाब पोइट, जो पंजाब के यानी पंजाबी का जो फर्स्ट पोइट उनका क्या नाम है, उनका नाम है बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह खान बिलोंग टू, यानी जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मतलब एक बनाया था उनका क्या नाम, उनका नाम है, या इसमें दो तीन सवाल आ गए दोस्तों, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किसने बनाया है, वो बनाया है नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो पहले सदर थे उनका नाम है सर आगा खान, और ऑल मुस्लिम लीग बनी थी 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, और ये कहाँ बनी थी, ये ढाका में बनी थी 1906 में, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थल डिजर्ट इज लोकेटेड, यानी जो थल, जो थल मतलब एक सहरा है वो कहाँ पे वाक़ है, वो पंजाब में वाक़ है। और आप लोगों को ये भी बता दूँ जो थर है, जो थर डेजर्ट है यानी जो थर रेगिस्तान है दोस्तों, वो कहाँ पे वाक़ है दोस्तों, वो सिंध में वाक़ है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सहरा है दोस्तों वो थर ही है, और थल पंजाब में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुलरहमान चौगताई वाज अटैच्ड विद द आर्ट ऑफ, यानी जो अब्दुलरहमान चौगताई थे वो किस चीज़ के साथ अटैच थे दोस्तों, वो पेंटिंग के साथ अटैच थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब्दुलरहमान चौगताई पहचाने जाते हैं पेंटिंग की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियूम्स ऑफ हड़प्पा आर सिचुएटेड इन डस्टक, यानी जो हड़प्पा में मतलब एक जो आसार कदीमा के मतलब एक जो असरात मिले थे दोस्तों वो कहाँ पे दोस्तों, वो साहिवाल पंजाब, साहिवाल पंजाब का जो मतलब एक शहर है साहिवाल, वहाँ पे हड़प्पा के मतलब एक जो आसार हैं आसार कदीमा के वो मिले हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया बिटवीन रिवर्स जहलम एंड चनाब, यानी जो दरियाए जहलम और चनाब के दरमियान वाला जो हिस्सा है, जो एरिया है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है छाट, CHH, वो कहलाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम कम इनटू सिंध इन 712 AD अंडर द लीडरशिप, यानी 712 में जो मुसलमान किसकी क्यादत में मतलब कि सिंध आए थे, तो उनका नाम है मोहम्मद बिन कासम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादकैन इज फेमस फॉर, जो दोस्तों सादकैन है वो किस चीज़ के लिए फेमस है दोस्तों, वो दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो पेंटिंग के लिए और दूसरा है कैलीग्राफी के लिए फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन ईयर, यानी जो फर्स्ट मरतबे के मरदमशुमारी पाकिस्तान में हुई थी वो किस डेट को हुई थी दोस्तों, वो 1991 में हुई थी, 1951 में, यानी 1951 में फर्स्ट पाकिस्तान में मरदमशुमारी हुई थी, और लास्ट हुई थी 1917 में। और अभी मतलब एक जो चल रही है वो पता नहीं, मतलब कि 2023 की अभी चल रही है, कन्फर्म नहीं है कि अभी तक हुई है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो थर्ड लार्जेस्ट सिटी है उसका क्या नाम दोस्तों, उसका नाम है इस्लामाबाद। पहले नंबर पे बड़ी सिटी है कराची, दूसरे नंबर पे लाहौर, और तीसरे नंबर पे फैसलाबाद। तो सबसे बड़ी सिटी है कराची, कराची की बात करें तो कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है, कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा कराची पाकिस्तान का फर्स्ट कैबिनेट, फर्स्ट दूसरा कैपिटल भी था, और कराची में ही कैद आजम का मज़ार भी है, तो कैद कराची में ही समुंदर मतलब है, ये सारी चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SNGPL स्टैंड फॉर, यानी SNGPL की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, वो फुल फॉर्म है सुई नाथरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। ये SNGPL की मतलब फुल फॉर्म, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों ने याद कर लेना है। SNGPL की फुल फॉर्म सुई नाथरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मड फोर्सेज, यानी जो सुप्रीम कमांडर होता है पाकिस्तान आर्मी फोर्स का, उनका क्या नाम, उनका नाम है प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी के सुप्रीम कमांडर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ पाकिस्तान मजलिस शोरा, यानी मजलिस शोरा के जो मतलब के कितने मतलब के नंबर हैं दोस्तों, कितना हिस्से हैं दोस्तों, टू हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनर ऑफ नेशनल एंड प्रोवेंशियल असेंबली, यानी जो नेशनल असेंबली और प्रोवेंशियल असेंबली, यानी जो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की मतलब कितनी मुद्दत होती है दोस्तों, वो 5 साल की मुद्दत होती है, हर 5 साल अलग इलेक्शन होते हैं, नए इलेक्शन होते हैं। द नेक्स्ट सवाल है, द मेंबर्स ऑफ पंजाब असेंबली, यानी पंजाब असेंबली के कितने मेंबर होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 371। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स तो दोस्तों वो है खुतबा हुज्जत अलविदा, खुतबा हुज्जत अलविदा को फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT स्टैंड फॉर, यानी ICT की फुल फॉर्म क्या है, ICT की फुल फॉर्म है I से इस्लामाबाद, C से कैपिटल और T से टेरिटरी, मतलब इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ICT की फुल फॉर्म है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 1962 यानी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ, यानी जो 1962 का आइन था वो किस मतलब के हुक्मरान के दौर में पास किया गया था, तो हुक्मरान का नाम है दोस्तों अयूब खान, अयूब खान उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे, और ये 1962 का आइन 8 जून 1962 में अयूब खान नाफज किया था, और इस आइन को ख़त्म किया था यया खान ने 1969 में, 25 मार्च 1969 में यया खान ने इस आइन को ख़त्म कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 1973 यानी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कम इन टू फोर्स, यानी जो 1973 का आइन है वो कब पाकिस्तान में अमल में लाया गया दोस्तों, वो 14 अगस्त 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का तीसरा और जो अभी आइन चल रहा है वो नाफज किया था, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान स्टील मिल्स इज लोकेटेड, यानी जो पाकिस्तान की स्टील मिल है वो कहाँ पे, वो कराची में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, जो गिलगित बल्तिस्तान की कैपिटल सिटी है वो है गिलगित
गिलगित ही गिलगित बल्तिस्तान की कैपिटल सिटी है। और आप लोगों को ये बता दूं गिलगित बल्तिस्तान के जो कितने शहर हैं दोस्तों, वो 14 शहर हैं गिलगित बल्तिस्तान में, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 14 डिस्ट्रिक्ट है यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोवंस, पंजाब प्रोवंस का टोटल एरिया कितना है दोस्तों, वो है 205,344 स्क्वायर किलोमीटर यानी 205,344 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28, 1989 यानी 28 मई 1998 में, मतलब कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर तजर्बा किया था, कहाँ पे किया था दोस्तों, वो किया था चागी हिल्स में, चागी जो ये बलोचिस्तान में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज इन लोकेटेड इन सिंध प्रोवेंस, दोस्तों सिंध प्रोवेंस में कौन सी माउंटेन रेंज वाक़ है दोस्तों, वो किरथार रेंज वाक़ है सिंध में, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज यानी साल्ट रेंज की जो हाइस्ट चोटी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है स्कासर, ये आप लोगों ने याद रखना है स्कासर, उनका नाम है साल्ट रेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर सैयद जमालुद्दीन अफगानी डाइड यानी जो सैयद जमालुद्दीन अफगानी कब मतलब के वफात पाए, वो पाए 1867 में वफात उनकी हुई 1897 यानी 1867 में सैयद जमालुद्दीन अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टशिप बिल वाज पास, तो दोस्तों जो अलीगढ़ ट्रस्टशिप बिल पास हुआ था दोस्तों, वो था 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ सर आगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बंगाल यानी जब बंगाल की मतलब है कि बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, उस वक्त मतलब है कि इंडिया के जो वायसराय थे उनका क्या नाम है दोस्तों, उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों वायसराय का मतलब ये होता है उस वक्त जो सबसे बड़ा अहदा होता था, जैसा कि अभी वजीर आजम का सबसे बड़ा अहदा, इसी तरह दोस्तों उस वक्त जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी उस वक्त वायसराय का अहदा सबसे बड़ा होता था, तो वायसराय मतलब है कि जो पार्टीशन बंगाल के वक्त वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, और जो बंगाल मतलब बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया 1905 में, ये आप लोगों ने याद रखना 1905 में अलहदा किया गया था और 1911 में फिर इकट्ठा कर दिया गया था, 1911 में फिर इकट्ठा भी कर दिया गया था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड, तो दोस्तों ये ढाका में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच द फॉलोइंग सिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी दोस्तों वो किस शहर में बनी थी दोस्तों, वो बॉम्बे शहर में बनी थी, और ये कब बनी थी, ये 1885 में बनी थी, 1885 में बनी थी, और ए ओ ह्यूम एक अंग्रेज़ था, उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, और कैद आज़म भी इसके मेंबर रह चुके हैं। कैद आज़म ने 1906 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस मतलब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को मतलब के ज्वाइन किया था 1906 में, और 1920 में रिज़ाइन कर दिया था, और मुस्लिम लीग को कैद आज़म ने 1913 में ज्वाइन किया था, यह भी आप लोगों ने याद रखना है। और जो कैद आज़म है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 1934 में परमानेंट सदर बन गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द कश्मीर स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दोस्तों इसका राइट आंसर है 1930 में यह सारा वाक़ा हुआ था, और 1930 में इलामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद भी पेश किया था, यह भी आप लोगों ने याद रखना है। और 1930 में ही जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस यानी टेबल टॉक जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी शुरू हुई थी 1930 में, 1931 और 1932 में तीन टेबल टॉक यानी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई हैं, यह भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजोरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर, तो दोस्तों उस वक्त जब मतलब कि आज़ादी हुई थी 14 अगस्त 1947 को, उस वक्त जो कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी थी दोस्तों वो मुसलमानों की ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक खुतबात आमदिया, द बुक खुतबात आमदिया किसने लिखी है दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, ये सर सैयद अहमद खान ने लिखी है, और सर सैयद अहमद खान को बता दूं कि सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए थे और 1898 में इन्होंने वफात पाई थी सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कराई थी 1886 में, इसके अलावा काफ़ी और भी उन्होंने कारनामे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ ऑल फोर मीनार्स ऑफ बादशाही मस्जिद यानी बादशाही मस्जिद के जो चार मीनार हैं उनकी हाइट कितनी है दोस्तों, उनकी हाइट है 177 यानी 177 फीट चार मीनार की मतलब है कि लंबाई है बादशाही मस्जिद के चार मीनार हैं और हर मीनार की लंबाई कितनी है 177 मतलब है कि 177 फीट। और आप लोगों को यह बता दूं कि जो मीनार पाकिस्तान है उसकी 70 मीटर लंबाई है, यह भी आप लोगों ने